हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के इस वीडियो में मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली हूँ। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तभी मुझे किसी ने एक चैलेंज दिया था कि आपको हैवी हेयर ऑयलिंग करनी है अपने बालों पे और कॉम्बिंग पे आपको एक वीडियो बनाना है। तो ये चैलेंज मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ, काफ़ी लेट एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो इसमें मुझे करना क्या है, ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ना, ये कोकोनट ऑयल है। तो ये 250 ml का बॉटल है और इसमें अभी 200 ml तो बचा ही होगा, तो ये ऑयल तो ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये जो पैराशूट का ऑयल है वो इसमें डाल लिया है, क्योंकि ये 1 liter का बॉटल है। 1 liter अपने बालों में तो नहीं डाल सकती हूँ, ऑलरेडी मेरे बाल काफ़ी चिपकू चिपकू है। तो ये जो ऑयल है इसको मैं अपने बालों पर डालने वाली हूँ। इसमें मैंने ऑलिव और कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर दिया, तो कि जब आप इतनी ऑयलिंग हैवी ऑयलिंग कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही कर लेते हैं, इसमें ऑयल्स मिक्स कर लेते हैं जिससे ये और भी अच्छा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हैवी ऑयलिंग कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। तो अब मैं अपने बालों में ये ऑयल डालूंगी और फिर स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इतना सारा ऑयल अपने बालों में डालने वाली हूँ। तो काफ़ी देर से ऑयल अप्लाई कर रही हूँ पर बॉटल ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो बस मसाज करती जा रही हूँ। अब थोड़ा सा ही बचा है बॉटल में, वो ख़त्म करना है। तो फाइनली ये ऑयल ख़त्म हो गया, बॉटल खाली हो चुकी है और अब मैं कॉम कर लेती हूँ। और बन भी बना सकती हूँ पर अभी मैं चोटी बना रही हूँ और आधा एक घंटे के बाद फिर मैं हेयर वॉश करूँगी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, पर सच में बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू लग रहा है और टेंशन हो रही है कि अब ये हेयर ऑयल कैसे निकलेगा। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं हेयर वॉश कर लूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो ऑयल आसानी से निकल गया और बाल काफ़ी अच्छे हो ही जाएंगे जब इतनी अच्छी ऑयलिंग होगी। तो ये चैलेंज आप अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए और आप भी ट्राई करके देखिए। और प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।